पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, प्रधानमंत्री श्रीनगर में देंगे 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। जम्मू कश्मीर के 2.5 लाख किसानों का दक्ष कलश योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। किसानों के लिए खोले जाएंगे 2,000 खिदमत घर। पीएम मोदी पर्यटन क्षेत्र की 52 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए का बजट। पीएम मोदी हजरत बल दरगाह के विकास के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। नई सरकारी भर्तियों वाले नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी की श्रीनगर में पहली रैली। जम्मू कश्मीर में चुनाव का भी आज कर सकते हैं ऐलान। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टर, स्टेडियम और रास्ते में हर तरफ लगाए गए बीजेपी के झंडे। पीएम मोदी की रैली को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी चौकसी। बख्शी स्टेडियम में एनएसजी कमांडोज किए गए तैनात। श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों के जवान मुस्तैद, रास्ते में बैरिकेड्स कर हर आने जाने वाले वाहन की हो रही है तलाशी, कागजात की जाँच जारी। श्रीनगर में झेलम नदी के आसपास कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, नदी में नेवी के कमांडोज लगातार कर रहे हैं गश्त। आधुनिक हथियार और मशीन गन से लैस मोटरबोट में तैनात है माकोस, झेलम नदी के चप्पे चप्पे पर नजर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सुरक्षा कड़ी, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कश्मीर में विकास की धारा बहने की बात कही, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए घाटी बेताब है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अशरफ मीर के पीएम के दौरे पर खुशी जताते नजर आए, कहा प्रधानमंत्री प्रदेश में जल्द से जल्द करवाएं चुनाव। सौंदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख से आज भी होगी पूछताछ। ईडी की टीम पर हमला मामले में सीबीआई को बुधवार को मिली कस्टडी। शाहजहां शेख को कोलकाता के निजाम पैलेस लेकर पहुंची सीबीआई की टीम, देर रात तक चली पूछताछ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया, कस्टडी देने के लिए कराया लंबा इंतजार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार 4:15 बजे तक शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने को कहा, डेडलाइन के 2.5 घंटे बाद सीआईडी ने सौंपा। शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने के बाद अस्पताल पहुंची सीबीआई, पूछताछ से पहले मेडिकल कराया। संदेश खाली मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की, इनमें से एक शाहजहां शेख के खिलाफ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शाहजहां शेख का 1 जनवरी का वीडियो किया सोशल मीडिया पर शेयर, बीजेपी नेताओं को धमकी देते आया नजर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में करेंगे पैदल मार्च, दोपहर 1 बजे कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट से धर्मशाला तक करेंगे पैदल यात्रा। सीएम ममता के साथ 3 किलोमीटर के पैदल मार्च में शामिल होंगी महिला समर्थक। मार्च से पहले ममता ने वीडियो मैसेज जारी किया। ममता ने बीजेपी पर बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया, कहा हमारे धैर्य और शिष्टाचार को हमारी कमजोरी ना समझें। कोलकाता में आज बीजेपी में शामिल होंगे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। राजनीति में एंट्री के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट से दिया इस्तीफा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, समन पर पेश नहीं होने की वजह से ईडी पहुंची कोर्ट, आज होगी सुनवाई। ईडी के समन पर केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा बीजेपी में आ जाऊं तो समन नहीं आएंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए मंथन। 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट। पीएम मोदी पर टिप्पणियों के बीच राहुल गांधी को चुनाव आयोग की नसीहत, सोच समझकर बयान दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी बोले आदिवासी इस देश के असली मालिक, ये आपको जंगल जल और जमीन का अधिकार नहीं देना चाहते, देश के लिए जातीय जनगणना जरूरी, एमपी के रतलाम में बोले गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम पर तंज, कहा जिस घर में टीवी पर मोदी की तस्वीर आई उस घर में दरिद्रता आ गई। ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन कर सकती है बीजेपी, सूत्रों की खबर, नवीन पटनायक से बातचीत जारी। बीजेडी से गठबंधन को लेकर बीजेपी सांसद जुएल ओराम, सभी 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर हुई चर्चा। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा और बसपा को झटका, कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। योगी के मंत्री ओपी राजभर का बयान, यूपी में एनडीए जीतेगी, कहीं कोई मुकाबला नहीं। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना, प्रत्याशी उतारने में देरी से ही पता चल रहा है, अमेठी में हार रही है कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस में थम नहीं रहा इस्तीफों का दौर,
अरविंद लदानी ने विधायकी पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का आना जाना जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जैन ने कांग्रेस में की वापसी। टीएमसी के पूर्व नेता तापस रॉय बीजेपी में शामिल। सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी ने दिलाई सदस्यता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज इंग्लैंड के दौरे पर रहेंगे, वहां साइंस सिटी देखने जाएंगे, कई उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी पर दिए बयान पर अड़े लालू यादव, कहा माना आपका 140 करोड़ का परिवार पर मैंने कोई गलत बात नहीं की। बिहार के बेतिया से पीएम मोदी का लालू पर डायरेक्ट अटैक, कहा बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार। पीएम मोदी ने कहा जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों नौजवानों का भाग्य छीना, नौकरी के लिए इन्हें पलायन करना पड़ा। इंडी गठबंधन पर भी बरसे पीएम मोदी, कहा इनके निशाने पर भगवान राम भी आ गए, दशकों तक राम मंदिर का निर्माण रोका गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, जहां जहां परिवारवाद वहीं लोग पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं। एक्टर रणदीप हुड्डा ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, रोहतक लोकसभा सीट से लड़ा सकती है बीजेपी। दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी के 7 विधायकों को राहत, निलंबन हुआ वापस। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा हमें न्याय मिला, फिर से विधानसभा में रखेंगे अपनी बात। पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, स्पीकर के आदेश पर मार्शल्स ने कांग्रेस विधायकों को सदन से बाहर किया। सदन से बाहर करने पर भड़के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडिंग, कहा मार्शल से बाहर करवाकर हमारा अपमान किया। ज्ञानवापी परिसर में जूते चप्पल का स्टैंड रखने पर विवाद, हिंदू पक्ष ने कमिश्नर से की शिकायत। हिंदू पक्ष का आरोप साजिश के तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर में रखा जूते और चप्पलों का स्टैंड। भारतीय नौसेना का नाविक साहिल वर्मा अब तक लापता, उसका कोई सुराग नहीं। परिजनों ने जम्मू में पैदल मार्च निकाला, सीबीआई जांच की मांग की। साहिल के परिजनों ने एलजी मनोज सिन्हा से मांग की हमें सही जानकारी दी जाए, हमें हमारा बच्चा चाहिए। गुस्साए लोगों ने जम्मू बंद का ऐलान किया। अमरावती से सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। किडनैपिंग केस में बाहुबली धनंजय सिंह को 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना भी लगा। जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने सुनाई सजा। बंगलुरु बम ब्लास्ट के हमलावर की जानकारी देने वाले को इनाम, NIA ने 10 लाख के नगद इनाम की घोषणा की। पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला, UPSTF ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पेपर लीक मामले पर UPDG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, सरकार ने साफ किया कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नुहू में फेल हुआ प्रशासन, 2 स्कूलों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जमकर नकल हुई। मध्य प्रदेश के गुना में रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ, महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल। मुंबई के पास ठाणे में एक कबाड़ खाने में लगी भीषण आग, आसपास मौजूद कई दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने कबाड़ खाने की आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग की खबर मिलते ही मौके पर NCP शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाड़ पहुंचे, नगर पालिका पर लगाया लापरवाही का आरोप। दक्षिण कोरिया की यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते नजर आए। बंगाल की आंगनवाड़ी वर्कर्स को CM ममता की बड़ी सौगात, अप्रैल से वेतन में 750 रुपये की बढ़ोतरी। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए शुरू हुई फ्लाइट, CM धामी ने दिखाई हरी झंडी। असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच PM आवास योजना का शुभारंभ, CM हिमंता बिस्वा सरमा ने किया उद्घाटन। लखपति दीदी सम्मेलन में ड्रोन उड़ाते हुए दिखे CM खट्टर, कहा कृषि में मदद के लिए महिलाओं को 5,000 ड्रोन देंगे। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरा किया, बोले एक एक किसान को मुआवजा दिया जाएगा। DGCA ने नई एयरलाइंस फ्लाई 91 को उड़ान भरने की मंजूरी दी, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट सौंपा। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक घर में घुसा तेंदुआ, घर में मौजूद बच्चे ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप होंगे रिपब्लिकन के उम्मीदवार, भारतीय मूल की निकी हेली ने अपनी दावेदारी वापस ली। निकी हेली ने सुपर ट्यूसडे में 15 राज्यों की पार्टी प्राइमरी में हार के बाद रोका प्रचार अभियान, कहा मेरे प्रचार रोकने का समय आ गया है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। निकी हेली कर सकती हैं ट्रंप का समर्थन, उन्होंने कहा मैं उन चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना बंद नहीं करूँगी जिनमें मैं विश्वास करती हूँ। अमेरिका गाजा में 6 हफ्ते के युद्ध विराम का नया प्रस्ताव करने में जुटा, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने दी जानकारी।
इजरायली हमले में अब तक गाजा में 30,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 72,000 से ज्यादा लोग घायल। लेबनन से हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर दागे कई रॉकेट। इसराइली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स को आसमान में ही तबाह किया। उत्तरी इसराइल के एक किबुत्स केफर ब्लम में मकानों के बीच गिरा एक रॉकेट। हिजबुल्ला ने रिहायशी इलाकों को टारगेट कर देने की बात कही। उत्तरी गाजा में खाने के सामान की किल्लत। सड़क के किनारे तैयार किया जा रहा खाने के लिए सामान, लग रही भारी भीड़। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का दावा, गाजा के लोगों के लिए है भरपूर खाना। इसराइल की पाबंदी की वजह से खाना पहुंचाने में हो रही दिक्कत। उत्तरी गाजा के जाबालिया में खाने के सामान किए जा रहे एयर ड्रॉप। जॉर्डन, अमेरिका, यूएई और मिस्र सहित कई देशों के विमान खाने के पैकेट्स गिराने में जुटे। हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमले की पुष्टि की। हूती के प्रवक्ता के मुताबिक उनके सटीक हमले में 2 क्रू मेंबर्स की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ग्रीस के पीएम के साथ पहुंचे ओडेशा। रूसी ड्रोन हमले में मारे गए 11 नागरिकों को दी श्रद्धांजलि। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जताई। वारसा में पोलैंड की संसद के बाहर जमकर किसान पहुंचे। यूरोपियन यूनियन की नीतियों और यूक्रेन से अनाज के आयात के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई से मिली मामूली राहत। सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपये प्रति किलो की कमी। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 74.09 रुपये प्रति किलो होगी, जबकि नोएडा, गाजियाबाद में 78.70 रुपये प्रति किलो होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां मैच आज से धर्मशाला में खेला जाएगा। भारत सीरीज में 3-1 से आगे। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इतिहास बनाने उतरेंगे। अश्विन धर्मशाला में खेलेंगे अपना 1/4 टेस्ट। अब तक 99 टेस्ट में 507 विकेट अश्विन के नाम। बेयरस्टो भी सेम रिकॉर्ड बनाने उतरेंगे। भारतीय टीम 5वां टेस्ट जीत 112 साल बाद बनाएगी इतिहास और रचेगी कारनामा। अपने घर में 5 मैचों की सीरीज में पहला मैच हारने के बाद लगातार 4 टेस्ट जीत रचेगी इतिहास। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार किया है कारनामा। इंग्लैंड ने आखिरी बार 2011-12 की एशेज सीरीज में पहला मैच हारने के बाद लगातार 4 मैच जीत कर रचा था इतिहास। भारत ने लगातार 17वीं बार टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर बनाया रिकॉर्ड। भारत 2013 के बाद से अपनी जमीन पर नहीं हारा कोई भी टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के नाम लगातार 10 सीरीज जीतने का है रिकॉर्ड। धर्मशाला टेस्ट से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी पहुंचे मैक्लोडगंज। धर्म गुरु दलाई लामा ने से की मुलाकात। इंग्लैंड टीम ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। आज से खेला जाएगा आखिरी टेस्ट। ICC ने जारी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग। यशस्वी जायसवाल पहली बार टॉप 10 में पहुंचे। यशस्वी को 2 स्थान का हुआ फायदा। भारत के खिलाड़ियों को रैंकिंग में फायदा। विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी रैंकिंग में फायदा। विराट कोहली 1 स्थान के साथ 8वें नंबर पर पहुंचे। रोहित शर्मा 11वें नंबर पर। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर काबिज। रविचंद्रन अश्विन 2 नंबर पर। 3 नंबर पर साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा। भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा को 1 स्थान का नुकसान। जडेजा 6 से 7वें नंबर पर खिसके।